सो दोस्तों, हमारा एपिसोड जो स्टार्ट होता है वो होता है ऐश के घर से। और दोस्तों, ऐश को एक पैम्पलेट मिलता है जो कि था प्रोफेसर ओक के कैंप का। तो नीचे आता है दौड़ा दौड़ा और मम्मी को बोलता है, मम्मी मेरे को कैंप में जाना है। तो दोस्तों, फिर उसकी मम्मी सोचती है और उसको बोलती है, ठीक है मैं तुझे साइन अप कर दूंगी इस कैंप के लिए, पर एक शर्त पे कि उस दिन मेरे को बहुत काम है और तुझे खुद ही उठना पड़ेगा। और दोस्तों, सबको बताया अगर ऐश को खुद ही उठने बोले तो क्या होता है, तो आगे देखते हैं। और दोस्तों, उसके बाद ऐश बहुत खुश हो जाता है कि मम्मी उसे हाँ बोल देती कैंप के लिए जाने के लिए। और दोस्तों, फिर वो एकदम खुशहाल से मतलब समय बिताता है। और उसके बाद हमें स्क्रीन दिखाई जाती है पोकेमॉन्स की, और बताया जाता है कि ऐसे दुनिया में बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं और अलग अलग स्पीशीज़ के पोकेमॉन्स रहते हैं, एक साथ रहते हैं। कुछ जो रहते हैं जंगलों में और कुछ रहते हैं आसमानों में, ऐसे सब पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और दोस्तों, फिर हमें दिखाया गया वो पीचू जो हमें इंट्रो में भी दिखाया गया था, और उसके ऊपर अटैक होता है एक एकेंस का, पर एकेंस को वो थंडर शॉक देके ख़त्म कर देता है। और दोस्तों, उसके बाद हमें और पोकेमॉन्स बताए जाते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ जंगलों में रहते हैं, और फिर हमें ऐसी और वाइल्ड एरिया के डॉटरियोज दिखाए जाते हैं। और उसके बाद हमें वापस पीछू के बाद वापस लेके आते हैं कि पीछू एक बहुत ही अकेला ऐसा पोकेमॉन है जो अकेला रहता है। उसके बाद वो मिलता है एक कंगज खान फैमिली से, और दोस्तों वो जो कंगज खान रहती है वो उसे अपना बेटा मान लेती है और उसे अपने पाउच में रख के निकल जाती है। और दोस्तों, उसके बाद होता क्या, पीचू अपनी लाइफ खुशहाली से कंगज खान और उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ बिताता रहता है। जी हाँ, मस्ती करता है, मौज करता है, रात को उसके साथ सोता भी है एक टनल में जहाँ पे सब कंगज खान्स रहते हैं। दोस्तों, फिर पीछू एक बहुत ही अनोखा पोकेमॉन है यार, तो इसके ऊपर एक खेरी है वो भी मैं कभी डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, फिर सुबह हो जाती है, दूसरा दिन हो जाता है, और फिर हमारे पोकेमॉन के मुर्गे चिल्लाना चालू करते हैं जो कि है डॉडरियो, सो लॉल फॉर दैट। और दोस्तों, उसके बाद आता है वो दिन जब ट्रेनिंग होने वाली है, मतलब कैंप होने वाली है। तो यहाँ पे हमें पहली बार गो को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके साथ वो बंदी को भी। तो दोस्तों, यहाँ पे तुम देख सकते हो सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं प्रोफेसर ओक के पास, और प्रोफेसर ओक बोलते हैं एक जन आया नहीं है जो कि बहुत केयरलेस है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, हम ही चले जाएंगे। तो फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि रुकते हैं, पर फिर वो गो के बारे में पूछते हैं। तो वो उसको पूछते कि उस लड़की को पूछते क्या ये इसने तुम्हें तुमने इसे कैंप के इंट्रोड्यूस किया? जी हाँ, मेरे पापा के साथ ये थोड़े बहुत वर्क कर लेता है। तो फिर ऐश हमें दिखाया जाता है कि फिर ऐश भागा दौड़ा आ रहा है क्योंकि ऐश लेट हो जाता है और सब कैंप चालू हो जाता है। फिर उसके बाद हमें एक लाइव बैटल दिखाया गया है पोकेमॉन के सीरीज में, उसमें कि बच्चों को लाइव बैटल दिखाया गया और लाइव कैचिंग पोकेमॉन जो कि कैटरपी को पकड़ते हैं। और उसके बाद गो का रिएक्शन ये था कि वाओ, ये एक लाइव कैटरपी, एक जिंदा कैटरपी, वाओ एक पोकेमॉन बैटल। तो फिर प्रोफेसरों समझाते हैं कि ये एक पोकेबॉल है और इससे तुम पोकेमॉन्स को पकड़ सकते हो और अपना दोस्त बना सकते हो, और तुम्हें एक अपना एक स्टार्टर पोकेमॉन मिलेगा जब तुम एक 10 साल के बच्चे बनोगे। तो गो उसके बाद थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता है उसके बारे में कि उसे सब पता है, और वो प्रोफेसर ओक भी खुश हो जाते हैं और वो अपने आप को मतलब वो ऐसे आंसर्स देना चालू कर देता है पोकेमॉन के बारे में। तो सबके बीच में वो एकदम हीरो टाइप बन जाता है। और उसके बाद जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है गो, ये सब प्रोफेसर ओक को बताना है, तुझे नहीं। तो फिर उसके बाद हमें स्क्रीन प्ले ये वाला दिखाया गया कि वो लोग एक ब्रिज के बाजू में खड़े, तो ये मेरा फ्यूचर है करके। और उसके बाद उसकी आंखें ऐसी होती है क्योंकि वो म्यू को देखता है, और म्यू को वो ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है एक नीडो किंग में। और दोस्तों, म्यू ट्रांसफॉर्म होकर नीडो किंग में वही सा अटैक करता है जो नीडो किंग उसके ऊपर करता है जो कि है फायर ब्लास्ट। तो दोस्तों, नीडो किंग वहाँ पर हार जाता है वो बैटल। और दोस्तों, उसके बाद म्यू वहाँ से निकल जाता है और गो हैरान परेशान कि ये कौन सा पोकेमॉन है। फिर दोस्तों, म्यू जो है अलग अलग पोकेमॉन का रूप बदलते जाता है, जैसे टॉरोस, लैप्रस, ऐसे वैसे बदलते जाता है। और उसके बाद हमें मीनवाइल इन द फॉरेस्ट पीछू फॉरेस्ट में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो उतने में इस बच्चे को जो कि पीछू का दोस्त है उसे म्यू दिख जाता है। तो वो म्यू के पीछे पीछे जाता है और दोस्तों वो एक टेकड़ी तक पहुंच जाता है और वहां से गिरने ही वाला होता है। और दोस्तों, उसके बाद म्यू के साथ वो खेलता है, पर उसके बाद वो जो रॉक क्रैक होता है और वहां से वो गिर जाता है। तो वो
तो सब लोग हैरान परेशान गो सब कुछ, पर म्यू जो है उसे बचा लेता है अपनी साइकिक एबिलिटीज के साथ, और उसकी मम्मी भी खुश, पीचू भी खुश, वो भी खुश और गो भी खुश। फिर उसके बाद आते हैं प्रोफेसर ओक भागे दौड़े इन दोनों को ढूंढते हुए, तो फिर भी अभी तक वो प्रोफेसर ओक उनको मिल जाते हैं और उनको लेके वापस जाते हैं। तो वो उसको बोलता है कि वो जो पोकेमॉन तुमने देखा वो एक्चुअली में म्यू रहेगा, क्योंकि म्यू अलग अलग पोकेमॉन्स में बदल सकता है, जैसे कि डिट्टो बदल सकता है। तो ऐसे बातें हो रही थी, तो फिर गो अपने मन में यही सोच रहा था कि बस मुझे म्यू को पकड़ना है, मैं फ्यूचर में म्यू को पकड़ के रहूँगा। और उसके बाद हमारा स्क्रीन प्ले आता है ऐश के तब, जो कि उदास बैठा हुआ होता है अपनी घड़ी तोड़ के, जो कि पोकेबॉल वाली। सो ऐसे ही कुछ होता है, और उसके बाद हमें स्क्रीन दिखाता है इसका। तो दोस्तों स्क्रीन में ऐसा दिखाया जाता है कि जो पीछू है उसकी वजह से कैंगस्कान को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है चलने में दौड़ने में, तो उसकी वजह से पीचू बहुत सोच में पड़ जाता है कि मेरी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब रात को सब सोए रहते तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और वहाँ से निकल जाता है, और जैसे ही वो बाहर आता है उसे वो पीछे देखता है, सब कुछ याद करता है कि भाई हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ। सो फिर भी वो सोचता है नहीं अब मैं जाऊँगा, इनके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बनता हूँ। तो उसके बाद एक लाइटनिंग चमकती है, और फिर क्या सोचो हमारा जो पीचू है नन्ना सा छोटा सा वो हो जाता है इवॉल्व और बन जाता है एक बड़ा एडल्ट पीकाचू, जो कि अपनी थंडर एबिलिटीज़ को, इलेक्ट्रिक एबिलिटीज़ को हाली एन फाइनेंस अच्छे से कर सकता है। तो दोस्तों उसके बाद पीचू जो है निकल जाता है और अपनी जर्नी में उनको पीछे छोड़ के। तो उसके बाद हमारे स्क्रीन पे आता है ऐश वाज, जो कि बड़ा है और भागा दौड़ रहा है क्योंकि वो लेट हो गया वापस अपना पोकेमॉन रिसीव करने के लिए। और वो प्रोफेसर ओक के पास आता है, और प्रोफेसर ओक के पास नेम से तीनों पोकेमॉन जा चुके होते हैं, बचा होता है पिकाचू। तो ऐश को वो पिकाचू मिल जाता है, और जैसे कि है शॉक तो लगना ही है ऐश को। और उसके बाद काला काला ऐश दिखाया जाता है, और उसके बाद हमें कोई मम्मी वाला सीन नहीं दिखाया जाता, सीधा ऐश को एक भागते हुए सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों इसके बाद हमें उस लड़की के पास दिखाया जाता है, दैट्स राइट। तो ये लड़की और उसके दोस्त विचार सोचते रहे गो क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते गो हमेशा पोकेमॉन्स के बारे में सोचता रहता है। और इसी तरह हमारा जो एपिसोड है यहाँ पे टू बी कंटिन्यू गो के साथ ख़त्म हो जाता है। सो भाई लोग, अगर तुम लोग आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों अगर तुम्हें ऐसे ही आगे पोकेमॉन 2019 या फिर कह सकते हो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का, जो कि आगे के एपिसोड भी हिंदी में डब चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद वाला घंटे को भी दबाओ ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम लोग को मिल पाए। और दोस्तों मैं इसे सारे एपिसोड्स को डब करूंगा, जितने भी नए नए एपिसोड आएंगे पोकेमॉन 2019 कह सकते हो अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि एनिमे का नाम पता नहीं चला है। सो सब जगह पे सर्चिंग पे भी 2019 ही आ रहा है। सो 2019 या फिर कहो स्वॉर्ड एंड शील्ड। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो यार, अगर तुम्हें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, और अपने पोके बॉडीज़ के साथ ये वीडियो को भी शेयर करना ताकि उन्हें भी पता चले यार कि एपिसोड्स हिंदी में आ रहे हैं। तो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायोनारा, ओके, थैंक यू।